गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं जिता श्रीवास्तव। तो गाइज, ये है मुंडन के नेक्स्ट डे का ब्लॉग, मतलब जिस दिन मुंडन हुआ था उस दिन। फिर रात में आके मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, उसके दूसरे दिन का है ये। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये मेरी भाभी के यहाँ रामायण बैठाया जा रहा है। रामायण का पाठ होता है ना, अखंड रामायण, तो उसी की शुरुआत हो रही है, क्योंकि उनके लड़के का तिलक है इसलिए। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी तो हम लोग सो सो के उठे हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग है, 8-8 बज रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, पापा हैं, बहुत सारे रिलेटिव हैं जिनको, जो मतलब बहुत पहले मिले थे वो भी मिल रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो खैर, अभी ये दोपहर का टाइम, और ये देखिए यहाँ पर हम लोग आए हैं लंच करने के लिए। छत पे यहीं पे लंच बन रहा था, हलवाई यहीं पे बना रहा था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पूछा है क्या बना रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो चाशनी बना रहे हैं रसगुल्ले की। तो ये यहाँ पे खाना बन गया है, और बस अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। और अखंड रामायण का पाठ तो पूरे 24 घंटे होता है, तो वो तो 24 घंटे चलेगा, मतलब कल तक होगा। और कल फिर होगी पार्टी शाम को, क्योंकि कल भाभी के भाई का तिलक है, तो वही पार्टी है शाम को। तो यहाँ पर देखिए, टीटू है जिसका मुंडन हुआ था, अपने नाना के सर पे बैठा हुआ है, तो वही मैं दिखा रही थी। तो खैर, यहाँ पे सब लोग खाना खाने बैठे हुए हैं। ये हैं पापा, भैया, भाभी, बाकी और रिलेटिव जो है वो खा चुके हैं, हम लोग खाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, अंशु है, ये भाभी के दोनों भाई हैं, तो छोटा वाला है, हाय कर रहा है सबसे। तो वो जो खाना परस रहे हैं, ये दूल्हे राजा हैं, इन्हीं की शादी है। तो खैर, चलिए फिर खाना खाया जाए। और ऐसे ही अच्छा लगता है ना, भीड़ भाड़ में सबके साथ खाना वाना खाना बैठ के, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखो, पापा खाना खा रहे हैं, तो मैंने पापा से बोला पापा हाय करो। पापा कह रहे हैं पहले खाना खा लें दो, उसके बाद हाय करूँगा। तो खैर, यहाँ पे पापा हाय कर रहे हैं, तो बस अब मैं भी खाऊंगी। और मैं आप लोग को दिखा रही थी, ये देखो पूड़ी, दावत वाली पूड़ी। तो चलिए फिर पहले खाना खा लें, फिर मिलते हैं। तो अभी हो गई है इवनिंग, इवनिंग क्या 8-8:30 बज रहे हैं। सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि अब कहीं जाओ तो कौन सा रूटीन रहता है, यही रहता है, उठो नहाओ धो खाओ पियो, सुबह शाम हो जाती है, तो बस वही चल रहा है। सब लोग, हम लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, मम्मी पापा भैया सब हमारी फैमिली, हम लोग इसी कमरे में थे। और बस बच्चे हैं, बच्चे सबका मनोरंजन कर रहे हैं। कृष्ण हैं वहाँ से, कल मेले से डमरू लेके आए हैं इनके मामा, तो वही बैठ के बजा रहे हैं। और थोड़ी बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, भाभी के बच्चे की, तो वही उसको लेके बैठी हुई थी, उसको उल्टी वगैरह हो गई थी, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना, तो इसलिए बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं ऐसे ट्रैवल वगैरह में। तो फिर से हम लोग अगेन आ गए हैं छत पे डिनर करने के लिए। और छत पे देखिए, रात में छत पे कितना सुंदर लग रहा है ना। और आप लोग को एक बात बताऊँ मैं, कि जैसे ही मैं वहाँ पे कैमरा उठाती थी ना, जितने भी रिलेटिव, जितने भी लोग थे, सब कहते थे ये मेरा भी ले लो ना वीडियो, मेरा भी ले लो। ये देखो, ये भाभी की मम्मी है, मौसी, ये आंटी है, हम लोग मौसी बोलते हैं, वो भी हाय कर रही है, मतलब सब इतने ही, पापा है मेरे दूर से हाय कर रहे, सब इतना मतलब वो दिखा रहे थे, क्रेज़ दिखा रहे थे कि अरे मेरा भी वीडियो बना लो, मेरा भी वीडियो, मुझे भी यूट्यूब पे डाल दो। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और जितने लोग थे ना, सब बोलते थे कि मैं आपका वीडियो देखती हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, आप बहुत अच्छे ब्लॉग्स डालते हो, ये मैं कृष्ण को जानता हूँ, सबको जानता हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि फाइनली वाह, लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। और खैर, तो यहाँ पे अभी हम लोग का हो रहा है डिनर। डिनर में वही बना था, पूड़ी और कटहल की सब्जी थी, और कुछ सूखी सब्जी भी थी,
आलू बैगन की थी शायद, और यही सब खा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इन्होंने नहीं खाया था, मैं भैया और यही लोग खा रहे थे बैठ के। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर देखिए पूजा जो रामायण हो रहा था ना वो ख़त्म हो गया है, और आरती लेके आया है अन्नू सबको देने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आरती ले रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है थर्ड डे यहाँ का, नहीं लास्ट डे है यहाँ का, और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। ये रहा कृषि, हाँ अभी 11 ही 10 बज रहे हैं, सॉरी 10 बज रहे हैं, मैंने 1 घंटा पहले बताया। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और कृषि की थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए वो लेटा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, रुकी मैं आपको मिलाती हूँ, बहुत सारे रिलेटिव आए हुए हैं। परिचय बताओ। कुछ लोग शर्मा रहे हैं, जो सर छुपा रहे हैं। तो सब मौसी की लड़कियां हैं, कोई ऐसे मतलब पुराने रिलेटिव हैं जिनसे मैं शादी के पहले मिली थी, उनसे अब मिल रही हूँ। तो खैर चलिए, मैं आपको छोटी छोटी अपडेट्स देती रहूँगी। और आज है मेन फंक्शन, आज ही है, परीक्षा है, तो फिर शाम को होगी पार्टी, तो आप लोग से मिलवाऊंगी। अरे तो गाइज़ अभी लंच वंच करके अभी हम लोग जा रहे हैं भाभी के नानी के घर। तो वहीं बगल के मोहल्ले में ही उनका घर है, 2 गली छोड़ के, तो वहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है ना। तो हम लोग चाबी लेके जा रहे हैं वहाँ, बच्चे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे वहाँ पे, मतलब खाली खाली घर है, तो हम लोगों ने सोचा बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, शोर शराबा था, तो बस इसलिए हम लोग वहीं जा रहे हैं। हेलो गाइज, तो अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे घर में। दूसरे घर में मतलब ये भाभी की नानी का घर है, बहुत पुराना घर है ये, 40 साल पुराना। तो हम लोग यहाँ आ गए क्योंकि बच्चे वहाँ बहुत परेशान रहते, बहुत शोर शराबा हो रहा था। तो हम भाभी ने कहा चलो थोड़ी देर वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ आ गए हैं सन्नाटे में। ये आंगन जैसा है, वहाँ पे बैठे हुए कुर्सी लगा के, धूप है, कुछ थोड़ा बहुत खा पी भी रहे हैं, और यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत खुला खुला सा है ना, ये देखिए खुला खुला सा घर है ना, अच्छा लग रहा है। धूप लग रही है बहुत तेज से, और मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, झुमका बरेली वाला पहन के, बरेली वाला नहीं है लखनऊ वाला है। तो खैर देखो मेरे भाई गाना भी गा रहे हैं। सो गाइज, अभी इवनिंग हो गई है और सब लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि शाम का ही फंक्शन है तिलक का। यहाँ पे मम्मी रेडी हो गई है, देखिए किट्टू किट्टू के डाटा रेडी हो चुके हैं। हाँ आ जाइए इधर, आ जाइए। तो ये है मौसी, ये है मम्मी, इनको तो आप जानते ही हैं। मौसी तैयार हो चुकी, मम्मी तैयार हो रही है, पीछे कौन खड़ा है, पीछे बुआ खड़ी है, अभी तैयार नहीं हुई है, मैं भी तैयार नहीं हुई हूँ। कृषि को रेडी कर दिया इनके डैडा को, अब मेरा नंबर है, अब मैं भी रेडी होऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं वहाँ फंक्शन में, फटाफट तैयार हो गए। सो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और सभी लोग रेडी हो गए हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं वहाँ फंक्शन के लिए। और दूल्हे राजा भी रेडी है, रुके दूल्हे राजा से मिलाती हूँ मैं। देखिए दूल्हे राजा के चेहरे में भर भर के ग्लो आ गया है। तो ये है हमारे दूल्हे राजा, एकदम कृष्ण से मैचिंग ड्रेस पहनी है आज। ये हमारे दूल्हे राजा है, देखिए कितना हैंडसम दूल्हा है ना। तो ये हो गया हमारा दूल्हा, इधर देखिए, ये हमारी दुल्हन की बहन। हेलो, अकेली इकलौती। अच्छी लग रही ना भाभी, ब्लैक साड़ी में बहुत प्रीटी लग रही है। ये है मेरी माता जी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, गाड़ी आ गई है बाहर, ये और कृष्ण जा चुके हैं। और ये है हमारी बड़ी बहू जी यानी कि मेरी भाभी, ये अभी यहाँ नहीं रहा है ना, सिर्फ दिख नहीं रहा है अभी वहाँ पर। और ये हमारा लल्लू, इधर देखो बाबू, बोलू मिलू बच्चो, ये देखिए सांता क्लॉज रेडी हो गया है, क्यूट लग रहा है एकदम। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये साई वाटिका करके है, तो यहीं पे फंक्शन होना है तिलक का, तिलक या परीक्षा जो भी बोलिए, वहीं पे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे का जो सब कुछ है फंक्शन का, वो वीडियो आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।